हेलो दोस्तों, इस समय हम लोग प्रयागराज के बक्शी बांध पर खड़े हुए हैं। दोस्तों, आपको आज हम बाढ़ का अपडेट देने के लिए आए हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं, ये सामने जो रास्ता गया हुआ है नागवास की मंदिर की साइड गया हुआ है। आपको मैं अब उधर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि उधर साइड पानी कितना आ चुका है। दोस्तों, इस समय गंगा जी 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं, जो कि इस हिसाब से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए लगता है कि कछारी इलाकों में पानी बहुत तेजी के साथ घुसेगा। और देखिए, इस समय हम आ चुके हैं नागवास की साइड। नागवास के मंदिर पर हम दोस्तों जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे पानी बहुत ज्यादा भर चुका है। नागवास के मंदिर को थोड़ा 100 मीटर पहले ही हम लोग खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये सामने जाता है रास्ता नागवास के मंदिर। बस ऐसे ही, जैसे ही आप मुड़ेंगे, खट से पड़ जाएगा नागवास के मंदिर। ये देखिए दोस्तों, पूरा पानी यहाँ तक आ चुका है। लहर देख के आप लोग जान सकते हैं कि पानी कितना तेज बढ़ रहा है। वहाँ के लोगों का दोस्तों कहना है कि पानी जो है 1 घंटे में 3 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है, और अखबार में भी यही दिया हुआ है। ये देखिए, नाव वाले अपना नाव यहाँ किनारे लगा के खड़े कर दिए हैं, ताकि जो है पानी बढ़ने पर यहाँ के लोगों को जो है रेस्क्यू किया जा सके, कि निकाला जा सके। ये देखिए, बाढ़ के पानी का मजा लेते हुए यहाँ के लोकल लोग। दोस्तों, किनारे पर रह रहे लोगों का जो है इस समय काफी परेशान हुए हैं, क्योंकि पानी काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो पानी आगे की ओर बढ़ेगा और लोगों के घर के अंदर जाएगा, जिससे लोगों को रहने में काफी दिक्कत होगी इस बरसात के समय में। ये देखिए दोस्तों, ये सामने सीधा चला जाता है बंधुआ मंडी। दोस्तों, निचला इलाका है, निचला इलाका में जाहिर है पानी गंगा जी का पहले आता ही है। ये देखिए, किनारे किनारे जो बने हुए थे बैठने वाले, वो सब पूरा डूब चुका है। तो दोस्तों, वीडियो पर अगर आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि गंगा जी का पानी कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये देखिए, सामने दोस्तों कुछ लोकल लोग हैं, पानी का जो है मजा ले रहे हैं अपना दोस्त यार के साथ। दोस्तों, ये देखिए सामने सब लोग किस तरह से पानी का मजा ले रहे हैं। और ये दोस्तों, इसमें वो लोग, ये जो लड़के लोग खड़े हुए हैं, ये रोड है, इधर रोड गया हुआ है। और पूरा देखिए, इसमें पूरा रोड जो है जलमग्न हो चुका है। ये देखिए किस तरह से ये लोग खेल रहे हैं पानी में। कुछ लोगों के लिए दोस्तों बाढ़ का पानी मजेदार होता है, कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। लेकिन लोगों घर में पानी आ जाने के कारण उन लोगों को सड़क ऊपर रहना पड़ता है, या किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं रहने के लिए। देखिए किस तरह से बाढ़ के पानी का मजा ले रहे हैं। देखिए, ये लोग हेलो बोल रहे हैं, सब लोग बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं दोस्तों। ये लोग कुछ अच्छे अच्छे शब्द भी बोल रहे हैं, जो कि मैंने म्यूट कर दिया है। अब दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं नागवास की मंदिर, के आगे साइड, जो कि नागवास के मंदिर साइड। तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि वहां पे पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। तो ये देखिए, सीधा रास्ता गया हुआ है नागवास के मंदिर साइड, तो मैं इधर साइड आ गया हूँ बैरागंज होते हुए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ के लोकल लोग हैं, पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है उन लोगों को। और देखिए दोस्तों, बाढ़ का पानी अपने साथ साथ गंदगी को भी लेकर आता है। देखिए कितना ढेर सारा गंदगी है,
और इसमें अनेकों किस्म के जानवर होंगे, सांप, बिच्छी, अरे ये दोस्तों सीधा रास्ता चला जाता है संगम दारागंज साइड। देखिए दोस्तों एकदम सड़क के लेवल के थोड़ा सा एकदम नीचे पानी है। अभी आने वाले कुछ घंटों में दोस्तों ये भी सड़क भी डूब जाएगी, जिस हिसाब से पानी यहाँ पर बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, काफी तेज स्पीड होती है दोस्तों इसका। किनारे पर रहने वाले लोगों ने तो अपना अब घर से सामान भी समेटना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में पानी उनके घर के अंदर चला जाएगा। देखिए किनारे किनारे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, जो वो सब जो है रिवर फ्रंट बनाने के लिए रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे दोस्तों सब घाट टाइप का बनाया गया है, जो घाट आगे साइड था वो आगे कर दिया गया है। ये है पुलिस चौकी दशाश्वमेध घाट का। देखिए पुलिस चौकी भी जो है पानी आ चुका है, ये देखिए। दशाश्वमेध घाट का जो है पुलिस चौकी है, सामने आप लोग झूसी का पुल देख रहे होंगे रेलवे वाला। ये देखिए दोस्तों इधर कुछ ज्यादा ही पानी है, आगे साइड बहुत ज्यादा पानी है, तो मैं आपको आगे साइड नहीं दिखा पाऊंगा, यहीं तक का मैं आज आपको अपडेट दे रहा हूँ। बाकी अगले स्टूडियो में आपको संगम का दिखाऊंगा कि संगम में हनुमान मंदिर तक में कितना पानी आ चुका है। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली के बीच शेयर करना जरूर करिएगा, क्योंकि इससे जो है मेरे वीडियो पर व्यू जाएंगे और मुझे हौसला मिलेगा और वीडियो बनाने का। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।